हाय फ्रेंड्स, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप वन पेज का इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं जॉब सर्च के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए रिज्यूमे की शुरुआत करते हैं रिज्यूमे के टॉप से। रिज्यूमे के टॉप पर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा हुआ है। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसका लिंक ज़रूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन। यहां पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में अपना फोटोग्राफ पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर आप अपना प्रोफेशनली क्लिक फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। आइए फोकस करते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पे, जो कि कुछ इस प्रकार है। इवेंट मैनेजमेंट ग्रेजुएट, पैशनेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मेमोरेबल इवेंट्स, सीकिंग एन एंट्री लेवल पोजीशन इन इवेंट मैनेजमेंट वेयर आई कैन अप्लाई माई स्किल्स इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन टू डिलीवर एक्सेप्शनल इवेंट्स एंड एक्सीड क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। देखिए, बहुत ही स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर कैंडिडेट ने सबसे पहले बताया है कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रेजुएट है और पैशनेट है मेमोरेबल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में और एग्जीक्यूट करने में। साथ में उसने ये भी मेंशन किया है कि वो एक एंट्री लेवल पोजीशन ढूंढ रहा है इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, जहां पर वो अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सके प्लानिंग कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में, जिससे वो एक्सेप्शनल इवेंट्स को कंडक्ट कर सके और क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ा सके। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस करते हैं कैंडिडेट की स्किल्स पे। इनडेप्थ नॉलेज ऑफ इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, प्रोफिशिएंट इन कोऑर्डिनेटिंग लॉजिस्टिक्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट फंक्शंस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर मैनेजिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स, एबिलिटी टू क्रिएट इंगेजिंग इवेंट एक्सपीरियंसेस एंड मैनेज अटेंडी सेटिस्फैक्शन, एक्सपर्टीज इन बजटिंग, वेंडर मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशंस, देन स्किल्ड इन यूजिंग इवेंट ब्राइट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर वर्चुअल एंड हाइब्रिड इवेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, एबिलिटी टू अडाप्ट क्विकली टू चेंजिंग इवेंट रिक्वायरमेंट्स एंड क्लाइंट नीड्स, प्रोफिशिएंसी इन क्रिएटिंग पोस्ट इवेंट इवेल्युएशंस एंड रिपोर्ट्स, पैशन फॉर क्रिएटिंग यूनिक एंड इम्पैक्टफुल इवेंट एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप गौर से इन की स्किल्स पे नज़र डालेंगे तो ये टेक्निकल स्किल्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इसमें जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और इवेंट ब्राइट की, तो ये वो टूल्स हैं जो आपको मदद करते हैं ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत स्पेसिफिकली इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स मेंशन की है। दोस्तों, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने की स्किल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका रिज्यूमे बहुत ही प्रोफेशनल दिख सकता है, अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में की स्किल्स को मेंशन करते हैं। की स्किल्स के बाद बढ़ते हैं एकेडमिक प्रोजेक्ट की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो सकता है आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाया हो, या हो सकता है आपने किसी कंपनी में एज एन इंटर्न भी काम किया हो। आप रिज्यूमे में तीनों चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि आपने एक एकेडमिक प्रोजेक्ट पे काम किया है। जो आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट था उसका टाइटल था ऑर्गेनाइजिंग अ सक्सेसफुल चैरिटी फंड रेजिंग इवेंट। यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं और साथ में आप ईयर मेंशन कर सकते हैं कि कौन से ईयर में आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने इस एकेडमिक प्रोजेक्ट के दौरान क्या किया। तो उसने मेंशन किया है रिसर्च्ड एंड आइडेंटिफाइड सुटेबल वेन्यूज, वेंडर्स एंड स्पॉन्सर्स फॉर द इवेंट, डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट प्लान इंक्लूडिंग बजटिंग, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेटेड विद वॉलंटियर्स एंड वेंडर्स टू इंश्योर स्मूथ इवेंट ऑपरेशंस, प्रेजेंटेड अ पोस्ट इवेंट रिपोर्ट एनालाइजिंग अटेंडी फीडबैक एंड फिनेंशियल आउटकम्स। तो अगर आप गौर से देखेंगे इस प्रोजेक्ट डिटेल को, तो यहाँ पर भी बताने की कोशिश की गई है कि प्रोजेक्ट के थ्रू कैंडिडेट ने क्या स्किल्स परफॉर्म की, क्या काम किया। तो इस तरीके से आप भी अपने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट डिटेल को लिख सकते हैं। अगर इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप लिख सकते हैं, या अगर कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है आपका तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। एकेडमिक प्रोजेक्ट के बाद अब नज़र डालते हैं सर्टिफिकेशन पे। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है वो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड हैं। पहला, सर्टिफिकेट इन इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इवेंट्स, अगेन आप मेंशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम।
लास्ट में देखिए मेंशन किया गया है सर्टिफिकेशन इन डिजिटल इवेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे तो याद रखिएगा जो ईयर होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, मतलब सबसे लेटेस्ट ईयर सबसे पहले आएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखा है या आपकी कोई टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है तो उसे भी आप अपने रिज्यूमे में जगह दे सकते हैं। बट अगर आपकी कोई टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है तो मैं चाहूँगा कि उसे आप अपने रिज्यूमे में आईटी प्रोफिशिएंसी हेडर के अंडर में मेंशन करें। यहाँ पर हालांकि उन्हीं सर्टिफिकेशंस की बात की गई है जो आपके इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। सर्टिफिकेशन के बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जो कि कुछ इस प्रकार है। वॉलंटियर्ड एज एन इवेंट कोऑर्डिनेटर फॉर एक्स वाई जी एनजीओ ऑर्गेनाइजिंग फंड रेसिंग एंड कम्युनिटी आउटरीच इवेंट्स, मेंबर ऑफ द कॉलेज इवेंट मैनेजमेंट क्लब, असिस्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग कॉलेज फेस्ट सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, अटेंडेड वेरियस वेबिनार्स एंड सेमिनार्स ऑन इमर्जिंग ट्रेंड इन इवेंट मैनेजमेंट एंड डिजिटल इवेंट सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं वो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट सेंट्रिक है। इसके अलावा अगर आपने किसी डिबेट में, किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया हो, आपका एनसीसीसी सर्टिफिकेशन हो, या आपका कोई स्पोर्टिंग अचीवमेंट हो, या किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन हो, उसे आप लिख सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। हालांकि यहाँ पर मैंने इवेंट मैनेजमेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही मेंशन की है। दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट को सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद बात की गई है ट्वेल्थ की और हाई स्कूल की। यहाँ पर भी जो आप इन्फॉर्मेशन है उसे मेंशन कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हैं जहाँ पर डैश है वहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसी तरीके से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में आप स्कूल या बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन ईयर वाइज मेंशन होगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, मतलब लेटेस्ट एडुकेशन आपकी पहले आएगी और उसके बाद में पिछली एडुकेशन आएगी। डिक्लेरेशन में आप लिख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी अपने रिज्यूमे में वो पूरी तरीके से करेक्ट है और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उस कैंडिडेट से ज़रूर शेयर करिएगा जिसने इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिप्लोमा या बैचलर्स कर रखा है या इवेंट मैनेजमेंट में जॉब सर्च कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।